Hello everyone, welcome to another episode of Andosaur Open Sea Fishing Tackles. बहुत सारे लोग उज़ो के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उज़ो के अच्छे रिजल्ट्स उनको आ रहे हैं. काफ़ी लोगों को पता होगा कि उज़ो जो ब्रांड है वो हम लोग ने ओपन सी फिशिंग टैकल्स नवी मुंबई, फिश ऑन टैकल्स अलीबाग और विनायक फिशिंग टैकल गोवा, इन तीनों ने मिलकर ये उज़ो ब्रांड लॉन्च किया है. इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट्स लाए. उज़ो माको लाया जो कि काफ़ी हिट है प्रोडक्ट, उज़ो ट्विस्टर्स जो कि काफ़ी हिट है, उज़ो जगरनॉट ब्रेड काफ़ी हिट प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इसके सबके आते रहते हैं, हमें बहुत सारे एंगलर्स यूज़ करते हैं. और तो इसी उज़ो ट्विस्टर्स में हम लोग ने ये टाइम ये सीजन नए कलर्स लाए. लास्ट 2.5 ईयर्स से हम लोग हर सीजन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उज़ो ट्विस्टर्स में, नया नया लेके आ रहे हैं. लास्ट सीजन में हम लोग ने उज़ो ट्विस्टर्स में पिंक लिड्स और गोल्ड स्पॉट कलर लेके आया था जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ. जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत सारे सिमिलर ब्रांड्स हैं, इसमें कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी थे, हम लोग ने सेम मॉडल में लॉन्च किया, बट उसमें हम लोग ने नए कलर्स लाए. और आपको अभी पता ही होगा कि ये सारे कलर्स जो नए ब्रांड्स नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के, उनमें कलर्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, विच वी फील इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग ने जो कलर्स लाए हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और बाकी और कई ब्रांड्स में वो कलर्स आ रहे हैं. तो एंड ऑफ द डे हम किसी से सीखते हैं और हमसे कोई सीखता रहता है, तो इट्स अ रियली प्राउड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग एज अ एंगलर कि एंगलर कम्युनिटी में कुछ तो हम लोग एक मार्क बना रहे हैं. तो सेम फीलिंग हम लोग रखते हुए इस टाइम ये नया कलर लॉन्च किया था, मिस्टिक सनसेट. अभी ये मार्केट में जा रहा है, एंगलर लोग खरीद रहे, टेस्टर्स ने इसके रिपोर्ट रिव्यूज़ दिए हैं, अभी हम लोग एंगलर्स के रिव्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. तो जैसे कि ये कलर आप देख रहे हैं मिस्टिक सनसेट, इसका नाम का ही अगर हम लोग क्लू लें तो जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जब भी सनराइज सनसेट हो रहा है तभी एनवायरनमेंट में जो कलर्स जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कलर्स पानी में रिफ्लेक्ट होते हैं, वो कलर्स का इफ़ेक्ट या हम लोग वो कलर्स का इफ़ेक्ट बढ़ा के उसके उसका फ़ायदा उठा के उसके रिजल्ट्स अच्छे डालने के लिए हम लोग कलर मिस्टिक सनसेट लाया था. आप देख सकते हैं इसमें पर्पलिश पिंक जो शेड है जो टॉप में है और नीचे जो है ये गोल्डन ऑरेंज शेड है. एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिया हुआ है जो कि शाइन करता है. और फॉर द बेस्ट इफेक्ट्स इसमें हम लोग ने सॉल्ट पेपर डाला हुआ है. सॉल्ट पेपर इज व्हाट द ब्लैक डॉट्स जो है उसके अंदर, और एट द सेम टाइम पिंक और सिल्वर हल्का सा ग्लिटर ऐड किया है. तो ये परफेक्ट कलर बना है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे आई एम श्योर. उसके साथ गोल्डन सॉरी ऑरेंज ग्लो जो कलर था काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था 8 सेंटीमीटर में, वो भी हम लोग ने इस बार 10 सेंटीमीटर में आया क्योंकि 10 सेंटीमीटर का डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है. तो हम लोग ने ये टाइम जो भी स्टॉक लाया वो 10 सेंटीमीटर में लाया. तो ये कलर्स का शोकेस था ये वीडियो. आपको पता है कि हम उज़ो ये जो ब्रांड है हम एंगलर्स लोगों ने 3 एंगलर्स लोगों ने बनाया है, और हम जब भी नए नए प्रोडक्ट लाते हैं तो एंगलर्स के लिए उनके बिहेवियरल उनके फिशिंग स्टाइल के हिसाब से हम लोग सोच के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते. हम लोग नहीं बोलते कि वी आर एक्सपर्ट्स, बट एक्सपेरिमेंट्स और थिंकिंग डाल के जो प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं दैट इज़ रियली प्राउड थिंग फॉर अस. सेम टाइम उज़ो में अभी रॉड्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में आप देखे रहेंगे हमारे जो टेस्टर्स है उज़ो के रॉड्स यूज़ करके उसके काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं. हेवी और एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है रॉड्स का टू टेस्ट, उसका टेस्टिंग काफ़ी हेवीली हुआ है और परफेक्ट रॉड्स है. उज़ो के तांडव जो स्पिनिंग रॉड में आएंगे और उज़ो का गरुड़ा जो बिट कास्टिंग रॉड में आएंगे, मोस्टली नेक्स्ट कमिंग फेब एंड तक ये रॉड्स मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे. और आई एम श्योर आप जब भी ये रॉड खरीदेंगे यूज़ करेंगे
यू विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये हमारे उज़ो ट्विस्टर्स के नए कलर्स का रिव्यू था हमारे स्टोर में जो आया हुआ है या हमारा ब्रांड जो हम लोग ने लॉन्च किया। तो ये एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये लोअर्स ख़रीदना है या इसके बारे में और जानना है और फोटोग्राफ आपको चाहिए तो आप हमें ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रहे हैं हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो ये एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।